दोस्तों मैं डीएनए के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। डीएनए का आपको कैसे करवाना है और उसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगा और उसकी क्या प्राइस रहेगी, वो सब मैं इसके डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एयर टाइट पॉली बैग की, जो इस जीपर जिसे बोलते हैं हम, वो आपको चाहिए होगा, और एक ऐसा लिफाफा जिसमें आप ये रख करके आप इसको कुरियर करोगे, और एक लेबल शीट अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना ये सब डिटेल जो मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है रिंग आईडी, और नीचे लिखा है ओनर नेम, नीचे लिखा हुआ है फार्म का नाम, और ब्रीड कौन सी है, अफ्रीकन लव बर्ड। तो आप ये अपने पेन से भी लिख सकते हैं उस पर लेबल लगा करके। हाँ, ये बाज़ार में मिल जाती है, ये लगभग मेरे को 2-3 रुपये का पड़ा था, तो आप इसे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि लेबल को सबसे पहले इस पर लगा लेना है। जैसे ये मैंने लगाया हुआ है, इस पर इस प्रकार आपको लगाना है। मैं कैसे लगाता है मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक लगा के बताता हूँ मैं आपको। ये करके एक अच्छे से लेबल इस पर लगा देंगे हम लोग। इस पे लगा दिया है, ये लग गया है लेबल, ये बिल्कुल पाउच के अंदर लग गया। हाँ, ये तैयार हो गई है, जैसे ये 1-2-3 ये तैयार हो गई है, और लिफाफे भी हमने तैयार कर लिए हैं। इस पे डिटेल मैंने प्रिंट करवा ली है, आप चाहे तो लिख सकते हैं अपने हाथ से। ये हो गया है, ये लिफाफा भी हो गया है, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा करवाया है, मान लो कभी ज़रूरत पड़े तो मैंने एक साथ 2 निकलवा लिए हैं। तो ये 2-3 जो बच्चे हैं उनके लिए है, उनका डीएनए टेस्ट करवाना है, उसके रिंग आईडी नहीं है तो मैंने 0-0 कर दिया है। एक का जो रिंग आईडी है वो है पेचला 01, और जो थर्ड वाला है उसका जो रिंग आईडी है वो 03 है। 02 वाला बच्चा जो है अब नहीं रहा, तो उसकी रिंग आईडी भी उसी के साथ चली गई। तो ये 03 वाला बर्ड है, मेरे पास 3 बर्ड हो गए, एक तो 00 वाला, एक 01 वाला, और एक 03 वाला। तो 3 बर्ड का डीएनए हमें करवाना है, और ये कैसे करवाएंगे ये भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, कैसे हम कराते हैं डीएनए और कहां पर हम इन्हें सेंड करते हैं, कैसे डीएनए होता है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम सैंपल ले लेते हैं 00 वाले का। इसको मैं सेटअप में से पकड़ के लाया हूँ, तो ये देखिए आप, ये इसके रिंग आईडी नहीं डली हुई है दोनों पैरों में, इसमें भी नहीं डली हुई है और इसमें भी नहीं डली हुई है, आप देख सकते हैं इसके रिंग आईडी नहीं है। तो इसको मैंने 00 डाला है रिंग आईडी में। तो सबसे पहले इसके जो चेस्ट होता है, जैसे ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लगभग 10-15 अपने को फर निकालने हैं, और निकाल करके जीपर में डालने हैं। तो पहले मैं जीपर को खोल लेता हूँ, आप ये 2 जनों की सहायता से कर सकते हैं। अगर आपको सही से नहीं आता हो तो एक को पकड़ा दें, और ये मैं अपने आप कर रहा हूँ किसी की हेल्प के बिना ही। तो आप जब करें तो ध्यान से रखें, और हाँ तो मैं बता दूँ यहाँ पर इन्हें दर्द नहीं होता है, और इसको जस्ट मैं एकदम से खींचना है, यूं खींचना है तो इसको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तो सबसे पहले हम खींचते हैं, चलिए खींचते हैं हम ये, ऐसे देख सकते हैं आप। और ये जो टॉप का है, ये वाला हिस्सा है, ये ज़रूर आना चाहिए, तो इसमें हम डाल देते हैं। ये वापस से आ जाएंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। ये आपको लग रहा होगा कि दर्द हो रहा है, इसका दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और ये मैं डाल रहा हूँ, एक बार और कर लेते हैं, ये लीजिए। और इसकी पूरी एयर निकाल करके, जैसे इसका जो एयर है पूरा निकाल करके इसको एक सील पैक कर दीजिए, ये मैंने सील कर दिया है। और इसी तरह आप अपने जो बर्ड है, नेक्स्ट जो बर्ड है, मैंने एक का निकाल के आपको बता दिया है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ है, इसको कुछ नहीं हुआ, ये देखिए वो उड़ गया। तो इसी तरह मैंने ये 00 वाले का निकाल के बताया है, इसी तरह आप जो अपने बर्ड है उनका कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, लगभग 10-15 जो फर हैं वो हैं, और इनसे ही डीएनए होगा। ये आपको कहाँ ले जाके देना है तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ।
आपको या तो लिफाफे पे ये जो एड्रेस है दिया है मैंने वो लिख करके आप इसको पार्सल कर दें, और जब ये इनको पार्सल मिल जाएगा ये आपको इस नंबर पर जो मैंने यहाँ पर मेरा जो कांटेक्ट है गीतावन पेशशाला कोटा जो भी है वो मैंने कांटेक्ट नंबर दिया है इस पे वो कांटेक्ट करेंगे और इनको पेमेंट के लिए बोलेंगे। वो तो पेमेंट के बोलने के लिए वो लगभग 150 से 160 रुपये लेते हैं वो पर DNA, मतलब पर सैंपल के। जैसे मतलब एक बर्ड है तो वो 160 रुपये चार्ज करेंगे, अगर 3 बर्ड है तो 3 गुना वो चार्ज करेंगे। तो इस नंबर इस जो एड्रेस है इस पर आपको ये कुरियर करना है। ये उनका नंबर है कस्टमर केयर नंबर, और ये अच्छी खासी एक लैब है जहाँ पर DNA टेस्ट होता है बर्ड्स का। ये है अपने तमिलनाडु चेन्नई में, तो आप इससे करवा सकते हैं। मैं भी इसी से करवा रहा हूँ, मेरा है फर्स्ट टाइम है, और देखता हूँ क्या रिजल्ट मेरे को मिलता है, और जैसा भी रिजल्ट मिलता है मैं आपको बताऊँगा कि मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। और जैसे ही इनका कॉल आता है मैं एक वीडियो बना दूंगा कि मुझे कॉल आया है या फिर वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, वो सब मैं आपको पूरे डिटेल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जैसे ही मुझे मिलता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपका पेट स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आप उससे खुश भी रहें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मैंने तीनों के सैंपल ले लिए, ये देख सकते हैं आप। पेटशाला 01 के भी मैंने सैंपल ले लिया है, पेटशाला 00 का भी मैंने सैंपल ले लिया है, और पेटशाला 03 का भी मैंने सैंपल ले लिया है। अब इनको इस लिफाफे में रख करके हम कुरियर करेंगे। पोस्ट ऑफिस के ऑफिस में आ गए हम, और इसको कुरियर करना है फास्ट स्पीड पोस्ट में करेंगे। दोस्तों 40 रुपये लेने के बाद ये मुझे उन्होंने ये दिया है, इसमें है शायद ट्रैकिंग ID लिखी हुई है और कोटा का जो सेंटर है वो उसका कोड लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, जहाँ जाना है वो भी लिखा हुआ है और जहाँ से आया है वो भी लिखा हुआ है, और ये जिस उन्होंने लिखा है वेट में इन्होंने 10 ग्राम डाला है। कैश 41 रुपये पर उन्होंने राउंड ऑफ में मुझे 40 रुपये ही काटे हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं इस पर्ची पर, छोटी सी पर्ची है ये मेरे को मिली है वहाँ से। तो